आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में स्थित गांव तेहरा निवासी मूलचंद का कहना है कि वह अपने गांव तेहरा से इगलास में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आलू के 50,000 रुपए बैंक में जमा करवाने आए थे। बैंक में उनसे दो अनजान व्यक्तियों द्वारा 50,000 ठग लिए गए। अब मूलचंद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मूलचंद द्वारा कहा गया कि बैंक में 1.5 लाख रुपए नहीं जमा हो सकते, आप अपने पैसे मनी ट्रांसफर से जमा करवा दो। तो उक्त जालसाजों द्वारा मूलचंद से मनी ट्रांसफर का पता पूछा गया तो वह मूलचंद को मनी ट्रांसफर से पैसे जमा करवाने की बोलने लगे और कहने लगे आप हमारे पैसे जमा करवा दो। तो मूलचंद को उन्होंने अपने पास मौजूद एक बादामी रंग के रूमाल में असली पैसे दिखाए, जिससे मूलचंद को यकीन हो गया इनके पास पैसे हैं। तो मूलचंद ने अपने पैसे जमा नहीं किए और वह उक्त लोगों के साथ स्वास्थ्य डेयरी के पास पैसे जमा करवाने आ गया, जहां दोनों लोगों ने कहा आप हमारे रूमाल में 2 लाख रुपए हैं, इन्हें पकड़ लो, हम अभी आ रहे हैं। तो वहीं उक्त आरोपियों ने मूलचंद से 50,000 रुपए की मांग लिए और बोल दिया इस रूमाल में 1.5 लाख रुपए हैं, आप इनमें से 50,000 ले लेना, हम अभी आ रहे हैं। जबकि रूमाल में बहुत सारी गांठ लगी हुई थी और रूमाल में पैसों की जगह पर नोट के साइज के कागज़ थे। जब तक मूलचंद उन जालसाजों के बारे में कुछ समझ पाता जब तक आरोपी फरार हो चुके थे। तो वहीं आरोपी ने कोतवाली इगलास में मदद की गुहार लगाई है। अलीगढ़ से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं घर से आ रहा था, 50,000 रुपए दे दिए बैंक में जमा करने के लिए। मैं बैंक में वाउचर भर रहा था, मेरी बराबर में ही 2 लड़के और वाउचर भर रहे थे। मुझसे पूछा कि हमें 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं अपने चाचा के खाते में। तो मैंने भी यहाँ से नहीं होंगे भाई, और यहाँ से 50,000 रुपये होंगे, मनी ट्रांसफ़र से हो जाएंगे, वहाँ से करके आओ तुम। तो मनी ट्रांसफ़र का है मुझे पूछा, मैंने बताया कि डेयरी के सामने। फिर मुझसे पैसे लिए वाउचर भरने के लिए, फिर बोला कि चलो हमें बता दो। बाहर लेके दोनों मुझे निकाल लाए, बाहर लेके डेयरी तक लाए, यहाँ आके और मुझे 1.5 लाख रुपये की गड्डी दे दी, उसमें कागज़ की नोट थी, और 50,000 रुपये मुझसे ले लिए कि हम यहीं हैं और तुम आ जाओ हमारे पास और इसमें से अपने पैसे निकाल लेना। जब उन्होंने कागज़ की गड्डी तुम्हें दी थी, क्या तुम्हें दिखा नहीं था इसमें कागज़ है? मैंने खोल के देखा, इतनी देर में जब तक देखा गांठ खोल के, उसमें गांठ लगी हुई थी तो उसमें कागज़ थे और वो तब तक निकल गए, गायब हो गए थे। बंद गड्डी क्यों ली आपने? पता नहीं मेरे दिमाग को इसमें क्या हो गया था। क्या पहले कोई नोट वगैरह की गड्डी वगैरह दिखाई थी आपको? पहले नोटों की गड्डी दिखाई थी मुझे एक बार खोल के। अच्छा, समझा इसमें नोट ही होंगे, मैंने जब तक खोली उसकी गांठ खोली तब तक वो गायब हो गई। क्या उन्होंने फिर वो गड्डी बदल दी थी? बदल ही थी, और क्या। क्या नाम है तुम्हारा? मूलचंद। कितने रुपए थे तुम्हारे पास? 50,000 रुपये।